हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स यूजीसी नेट या फिर सीएसआर नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये सब जानकारी होनी चाहिए कि जेआरएफ क्या होता है, एसआरएफ क्या होता है, और अगर मुझे जेआरएफ मिल गया तो उसके आगे मैं क्या करूंगा। वेदर अगर मैं पीएचडी में एडमिशन ले लूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, और इसमें पॉजिटिव्स क्या होते हैं, निगेटिव्स क्या होते हैं। मैं यहाँ फेलोशिप के दायरे में रह के बात करूंगा, आपका रिसर्च के दायरे में मैं बात नहीं करूंगा, उसके लिए और वीडियो में बनाऊंगा। फेलोशिप के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स है वो इस वीडियो से मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। अगर मैं फर्ज कीजिए कि मैं यूजीसी नेट या फिर सीएसआर नेट क्वालिफाई कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड, आप जैसे ये एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा लीजिए। अब यहाँ इंस्टीट्यूट कौन सा होना चाहिए, तो यहाँ कोई उसका रूल नहीं है कि इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी होना चाहिए। आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो, अगर आपके पास जेआरएफ लेटर है तो आप कहीं भी लोकल कॉलेज, लोकल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, आप कहीं भी एडमिशन आप ले लो, आपको फेलोशिप मिलेगा। सीएसआईआर या फिर यूजीसी आपको फेलोशिप देगा। बस इसके लिए आपको जो है तो वो जो इंस्टीट्यूट वहां रजिस्टर करना पड़ेगा एज अ फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर। तो आप ये समझ लीजिए मैं यहाँ फुल टाइम बोल रहा हूँ। अगर कोई कहेगा कि मैं जॉब भी करना चाहता हूँ और मेरे पास जेआरएफ लेटर है तो मैं कहीं रजिस्टर कर देता हूं, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ये केस में आपको फेलोशिप नहीं मिलेगा, आपको फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर बोल के ही फेलोशिप मिलेगा। अब दूसरी एक चीज इसके बारे में बता रहा हूँ, दूसरा डाउट ये है कि कई लोग पूछते हैं कि अगर मैं जेआरएफ भी ले लूँ और कोई और स्कॉलरशिप, एनीथिंग, कोई एनजीओ से या फिर किसी और इससे कोई स्कॉलरशिप ले सकता हूँ, तो नहीं, आप जब जेआरएफ के लिए एनरोल हो जाओ तो आप सिर्फ जेआरएफ ही ले सकते हो। तो फ्रेंड ये एक डाउट हुआ। अब हम देखेंगे कि अब जेआरएफ होता है, उसके बाद एसआरएफ होता है, तो जेआरएफ और एसआरएफ में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों, जेआरएफ और एसआरएफ ये चीजें पीएचडी का ही पार्ट है। अगर आप जेआरएफ क्लियर कर लेते हो सीएसआर नेट से या यूजीसी नेट से, तो आपको जो अवार्ड लेटर मिलता है वो जेआरएफ के लिए मिलता है। और जेआरएफ क्या है, आपके फर्स्ट शुरू के दो साल यानी कि फर्स्ट टू ईयर्स ऑफ योर रिसर्च करियर आर ट्रीटेड एज ए जेआरएफ। तो इसके बाद क्या होगा, आपके लिए एक कमेटी आपका जो इंस्टीट्यूट है वो गठित करेगा, वो एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगा जो आपका प्रोग्रेस देखेगा। अमूमन यही होता है, यूजीसी और सीएसआर का जेआरएफ है, और ये थ्री मेंबर कमेटी होता है जिसमें आपका गाइड होगा इंस्टीट्यूट से, और एक फैकल्टी होगा और एक एक्सटर्नल फैकल्टी होगा, वो आपका प्रोग्रेस। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये इतना मुश्किल नहीं होता है जेआरएफ के बाद, तो वो आपका जो एनालाइज करेगा आपका काम, अगर उनको सेटिस्फाइड लगता है तो आपको जो है तो रिकमेंड करता है एसआरएफ के लिए। तो एसआरएफ मतलब क्या है, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, और जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अब दो साल के बाद अगर फर्ज कीजिए कि आपका काम सही नहीं है, मतलब अमूमन ऐसा होता नहीं है, 90% केसेस में आप जेआरएफ टू एसआरएफ प्रमोट हो जाते हो, लेकिन अगर 10% की हम लोग जो 10% है उसका यहाँ ये कहते हैं कि अगर आप दो साल में आपको कमेटी रिकमेंड नहीं करती है कि इनको एसआरएफ बनने लायक इनका काम नहीं हुआ है, तो यहाँ क्या होगा, आपको एक साल का और एक एक्सटेंशन मिल जाता है जेआरएफ के लिए। तो आपका जेआरएफ क्या है, मैक्सिमम आपका जेआरएफ चलेगा 3 साल। अब 3 साल के बाद फिर से कमेटी आपके लिए, तीसरे साल बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर कमेटी विल मीट अगेन। तो यहाँ ये मीट करके क्या करेगी, फिर से आपका वही इवैल्यूएशन होगा। अब इनको अगर यहाँ लगता है कि बंदे ने अच्छा काम किया है, बंदी ने अच्छा काम किया है, तो दे विल प्रमोट यू टू द एसआरएफ, दैट इज सीनियर रिसर्च फेलोशिप। अब यहाँ भी अगर कमेटी आपको रिकमेंड नहीं करती है तो फ्रेंड्स यहाँ क्या होता है जानते हो, तो आपका जेआरएफ टर्मिनेट हो जाता है। समझ लीजिए आपको पीएचडी जो है तो विदाउट फेलोशिप ही करना पड़ेगा अगर कमेटी आपको रिकमेंड नहीं करती। लेकिन फ्रेंड्स आपको बता दूं कि 99 केसेस में ऐसा नहीं होता है, 99% ये पॉसिबिलिटी कि आप जेआरएफ से एसआरएफ हो जाते हो। तो आप ये समझ लीजिए कि जेआरएफ इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप और एसआरएफ जो है तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो अभी जो डीएसटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने फेलोशिप का जो अनाउंसमेंट किया है, तो उसमें जेआरएफ के लिए कितना मिलता है, तो हम लोग देखते हैं कि जेआरएफ के लिए अभी मिलेगा 31,000 प्लस एचआरए,
तो फ्रेंड्स एचआरए अब यहाँ जो है तो 31,000 ये सभी लोगों को उतना ही मिलेगा किसी भी सिटी में, ये क्या सिटी डिपेंडेंट अमाउंट नहीं है जो 31,000 ये सबको मिलेगा। लेकिन एचआरए जो है तो ये वेरी करता है, जैसे कि मैं हैदराबाद में रहता हूँ तो मुझे यहाँ 30% एचआरए मिलता है। हैदराबाद जो मेट्रो सिटीज है लाइक चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, तो यहाँ जो है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा। तो टोटल अमाउंट जो है तो जीआरएफ के लिए हो जाएगा अराउंड 40+500, तो इस टाइप का हो जाएगा। और एसआरएफ के लिए ये हो जाएगा 35+ जो है तो 10,500, मतलब ये 45+ आपका चला जाएगा अगर आप बाहर रह रहे हो। तो ये समझ लीजिए कि एचआरए किसको मिलता है, अगर आप इंस्टीट्यूट के हॉस्टल में रह रहे हो तो ये रूल है अमूमन कि आपको एचआरए नहीं मिलेगा। अगर आप बाहर अकोमोडेशन ले लिए हो, अगर आप मैरिड हो, उन मैरिड लोगों को ये कंपलसरी, आप अंदर हॉस्टल में भी रह रहे हो तो आपको एचआरए मिलेगा। अगर मैरिड नहीं हो तो इस केस में आप अगर इंस्टीट्यूट्स के बाहर रह रहे हो तो ही आपको एचआरए मिलेगा। तो आप एचआरए मिला के फेलोशिप एसआरएफ देखेंगे तो अराउंड 46 है अभी के इसमें, और जो जीआरएफ है वो अराउंड 31,000 है। तो फ्रेंड्स ये हुआ पॉजिटिव थिंग, अगर आपको कितना मिलता है अराउंड 40,000 विथ एचआरए फॉर जीआरएफ एंड अराउंड 46,000 विथ एचआरए फॉर एसआरएफ। दोस्तों हमने देखा कि जीआरएफ एसआरएफ क्या है और एचआरए अमाउंट का यहाँ देखा। एचआरए के बारे में और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टायर टू सिटीज, टायर थ्री सिटीज जैसे जो छोटे छोटे शहर है वहां पर 20% एचआरए मिलता है, और जो मेट्रो सिटीज है वहां पर 30% एचआरए मिलता है। अभी हम कुछ पॉजिटिव देखेंगे आपको, अपार्ट फ्रॉम जीआरएफ प्लस एचआरए अमाउंट आपको कॉन्टीजेंसी भी मिलती है। अगर आप यूजीसी क्वालिफाइड हो, यूजीसी नेट क्वालिफाइड, तो आपको अराउंड 15,000 कॉन्टीजेंसी मिलती है पर ईयर, जिसमें आप आपके रिसर्च के लिए जो जरूरी चीजें हैं, जो जरूरी चीजें वो आप खरीद सकते हो और उसको रीएम्बर्स करा सकते हो। मतलब आप खरीद लो उसके बाद वो बिल आप इंस्टीट्यूट में दे दो तो वो आपको रीएम्बर्स हो जाएगा 15,000 तक, या फिर आप सीएसआर कैंडिडेट हो तो 20,000 तक आपका रीएम्बर्स हो जाएगा हर साल के लिए। मतलब फॉर 5 years यू विल बी गेटिंग 1,00,000 rupees, तो एक साल के लिए आपको 20,000 और 5 साल के लिए जो टोटल है तो 1,00,000 आपका कॉन्टीजेंसी रहेगा जिसमें आप जो जरूरी चीजें वो खरीद सकते हो उसके साथ। तो फ्रेंड यही है, अगर आपको 5 साल के लिए आपका समझ लीजिए कि एक सैलरी ही है, उसके बाद आपको अच्छे से कुछ ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि पीएचडी के बाद भी जॉब प्रोस्पेक्ट जो है तो थोड़ा सा मतलब गिरता हुआ नजर आ रहा है। बट वी हैव टू बी पॉजिटिव। अब थोड़े से निगेटिव दोस्तों हम लोग देख लेंगे क्योंकि बहुत सारी परेशानियां जो है ना कुछ रिसर्च स्कॉलर्स को झेलनी पड़ रही है। तो निगेटिव में क्या है कि फ्रेंड्स जैसे आपने रजिस्टर करा दिया, जैसे मुझे अब मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि जैसे मैं रजिस्टर करा लिया जीआरएफ में, तो रजिस्टर होने के बाद कम से कम 6 महीना लगता है आपको पैसा आने में। मिनिमम यह देखा गया है कि अमूमन 6 months जो आपको स्टार्टिंग सैलरी है, लेकिन ये मत समझिए कि आपका पैसा नहीं आएगा। 6 महीने का पैसा आपका एक साथ आएगा लेकिन आपको मंथली जो है ना वो नहीं आएगा। अमूमन 5 महीना, किसी का 6 महीना, किस किस का साल लग जाता है। और बीच बीच में क्या है ना, आपको जैसे सुपरवाइजर का सिग्नेचर लेके देना होता है तो कभी कभी आपकी प्रोग्रेस सही नहीं है, कभी सुपरवाइजर का मूड ठीक नहीं है, तो ये केस में क्या होता है ना, कभी कभी साइन या फिर किसी और कारण के वश आपका साइन आप अपलोड नहीं कर पाए, या फिर वहाँ पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम है, या सीएसआर वालों तरफ से या फिर यूजीसी वालों तरफ से कुछ रिस्पांस नहीं आया, तो आपका कभी कभी साल भर, 2 साल, मैं देखा हूँ कुछ कुछ लोगों का 3-3 साल फेलोशिप नहीं आया, लेकिन बाद में उनका फेलोशिप आ गया 3 साल का। लेकिन ये पॉइंट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो है तो जैसे जॉब वालों का होता है 1 तारीख को सैलरी आ जाती है या फिर फिक्स 6 तारीख को आ जाती है, ये फेलोशिप का इस तरह से नहीं होता। ये गवर्नमेंट का पैसा है, मतलब ये गवर्नमेंट का एजेंसी है, तो काम ऐसे ही होगा कि बिल्कुल एकदम ढीला ढाला काम होता है। अभी थोड़ा सा उसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है बट जब लास्ट अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो ये बहुत ही ढीला काम होता है। आपके पैसे, एक चीज आप समझ लो, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, आपको पूरा पैसा मिलेगा लेकिन टाइम पे मिलेगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो फ्रेंड यही था, अगर आपके और भी कुछ डाउट है तो मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां सबको रिप्लाई करूंगा, या फिर और कुछ ज्यादा ही डाउट है तो मैं और उसका एक वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं इंडिविजुअल भी आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। और किसी कोई भी डाउट जीआरएफ के लिए आपका है तो वो प्लीज पूछिए। और प्रिपरेशन, रही बात प्रिपरेशन की, तो उसके लिए हम लोग वीडियो बना ही रहे, आप देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।